गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दिनेश चौधरी, रीजनिंग गुरु। देखिए, इससे पहले अपने दो वीडियो अल्फ़ाबेट के पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड आ चुका है। आज अपन अल्फ़ाबेट का पार्ट थर्ड लेंगे, जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि वर्णमाला का वर्णमाला के पांच भाग हैं। उन पांच में सबसे पहले अपन ने देखा था शब्दों को शब्दकोश क्रम में लिखना, अपन ने क्लियर पढ़ लिया। नंबर दो अपन ने देखा ठीक मध्य का अक्षर या मध्य में अक्षरों की संख्या ज्ञात करना। तीसरा जो टाइप देखा अपन ने, वो देखा अल्फा जोड़े हैं। और देखिए दोस्त, आज जो अपन देखेंगे अल्फाबेट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, चौथा भाग है, वो है क्रम पर आधारित प्रश्न। देखिए सबसे लंबा पार्ट भी यही है। देखिए आज अपन चौथा भाग देखेंगे इसका, क्रम पर आधारित प्रश्न। देखिए क्रम पर आधारित प्रश्न, ये पूरा का पूरा जो क्रम पर आधारित सिस्टम है, ये अंग्रेजी वर्णमाला का है। जैसे अपन देखें, ध्यान से सुनिए, ये अंग्रेजी वर्णमाला है ए से जेड। ए से जेड तक 26 अक्षर है। ये जो 26 अक्षर जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं, अपने अकॉर्डिंग है। जैसे अपना एग्जाम में बैठे हैं, अपना फेस कहाँ है, सामने की ओर, तो इन 26 अक्षरों का फेस भी किधर है, सामने की ओर। देखिए ये है अपने अकॉर्डिंग है, ये क्या है लेफ्ट, अपन याद रखते हैं बायां, ये बी बन गया, क्या बन गया बी, तो अपन याद रख लेते हैं। थोड़ी हिंट है, ये कौन सा कॉर्नर है, बायां कॉर्नर, अपन याद रखते हैं। सर ये क्या है डी, और डी यानी क्या है दायां, दायां मतलब राइट कॉर्नर। देखिए ये अपना लेफ्ट कॉर्नर है, और ये क्या अपना राइट कॉर्नर है, ठीक है। देखिए भी जैसे अपनी एक पंक्ति है, पंक्ति में अपन बाएं कोने से चलेंगे तो अपन क्या बोलेंगे, बाएं से। तो देखिए यहाँ से मैं बोलूँ कि बाएं से पांचवा अक्षर, बाएं से पांचवा अक्षर, तो बाएं से का मतलब क्या है, बाएं से का मतलब है बाएं कोने से दाएं कोने की ओर। मतलब अपन बोले तो क्या कह सकते हैं, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, बाएं कोने से दाएं कोने की ओर। और यदि मैं ये कहूँ कि दाएं से दसवां अक्षर, तो दाएं से का मतलब है जेड से, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। देखिए एक चीज याद रखना, यदि अंग्रेजी वर्णमाला सीधी है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला सीधी है तो बाईं से का मतलब ए से, और दाईं से का मतलब जेड से। अपन ये भी कह सकते हैं कि ये सीधा क्रम है, और ये कौन सा क्रम है, उल्टा क्रम है। ये केवल अपन बात करें अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम। देखिए अपन कांस्टेबल की बात करें तो कांस्टेबल में क्वेश्चन बड़ा साधारण सा आएगा, अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम। यदि अपन थोड़ा सा ऊपर जाते हैं SSC 10+2, तो अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख देता है, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, लिखेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला को यदि विपरीत क्रम में लिख दें तो बाईं से दसवें अक्षर के दाईं ओर पांचवा अक्षर क्या होगा। यदि अपन थोड़ा सा ऊपर जाएं, SSC CPO SSC CGL वगैरह की बात करें, तो इसी क्वेश्चन का रूप चेंज कर देगा, लिख देगा अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत कर दो या द्वितीय अर्धांश को विपरीत कर दो। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपन बिल्कुल जीरो से क्वेश्चन को पढ़ेंगे अप लेवल तक, ठीक है। सबसे पहले अपन देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा रूप, फिर अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा रूप, फिर प्रथम अर्धांश को उल्टा करेंगे, फिर द्वितीय अर्धांश को उल्टा करेंगे, और फिर अंत में और भी जटिल क्वेश्चन देखेंगे दोनों अर्धांश उल्टा करके, दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख के। तो देखिए सबसे पहले जो अपन देखेंगे वो देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा रूप। देखिए बाईं से का मतलब ए से, और दाईं से का मतलब हो गया जेड से। अब क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आ गया अपने पास कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं से पांचवें अक्षर के दाईं ओर सातवां अक्षर बताओ। अपन क्या करते हैं, बाईं से पांचवा गिनते हैं, फिर उसके दाईं ओर गिनते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो देखिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, उस ट्रिक से अपन क्वेश्चन को केवल और केवल 10 सेकंड में सोल्व करेंगे। देखिए एक चीज याद रखना, सम्मान को घटा दो असम्मान को जोड़ दो। स-
सम्मान सम्मान को घटा दो और असम्मान को क्या कर दो, जोड़ दो। अब देखिए दिमाग में है कि जी ये सम्मान सम्मान और असम्मान है क्या। देखिए दो, सम्मान सम्मान और असम्मान क्या है, जैसे आ गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं से पांचवें अक्षर के दाईं ओर दूसरा अक्षर, तो एक बार आया बाया और एक बार क्या आया दाया, एक बाया और एक दाया, तो क्या हो गया असम्मान। आ गया क्वेश्चन की अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं से 20वें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर, तो एक बार दाया दोबारा दाया, तो दाया दाया क्या है सम्मान। तो यदि प्रश्न में बाया बाया या दाया दाया आए तो वो तो होगी सम्मान स्थिति, और प्रश्न में आए बाया दाया या फिर दाया बाया तो होगी असम्मान स्थिति। याद रखना सम्मान सम्मान को क्या करना है घटाना है, और असम्मान को क्या करना है जोड़ना है। देखिए बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि सर याद तो रख लेंगे, लेकिन गुरुजी यह याद गुण रहे कि सम्मान सम्मान जोड़ा घटावा भूल जावा। तो देखो भी करना क्या है, देखो अपन साफ एक छोटी सी बात लेते हैं, जैसे क्लास में अपने पास 10 स्टूडेंट बैठे हैं, 10 लड़के बैठे हैं, पूरे लड़के लड़के आगे की लाइन में, और यदि गर्मी का टाइम है एक लड़का आ गया और मैं बोलूँ बेटा इसको बैठाना, तो अपन क्या कहें, नहीं नहीं गुरुजी बदबू आती है छोटे छोटे। और मान लो दो लड़की आ गई, मैं कहता हूँ बेटा 10 तो बैठे और दो लड़कियों को बैठाना, तो आप क्या करोगे, हाँ गुरुजी बैठा दो ना थोड़ा सा बैठा दो ना, तो बेटा यही तो है। देखो वो भी लड़का आप भी लड़के आप दूर दूर जा रहे हो, क्यों, क्योंकि असम्मान को क्या करें, सम्मान सम्मान को क्या करें घटा रहे हैं। और दो लड़की आ गई, दो लड़के आ गए, आप बैठा लेते हो, गुरुजी बैठ जाओ, बस में भी बस में खड़े हो जाते हो, तो यही तो है, यहीं से ट्रिक बनी है कि सम्मान सम्मान को घटा दो और असम्मान को क्या कर दो, जोड़ दो। तो याद रखना सम्मान सम्मान को क्या करना है घटाना है, और असम्मान को क्या करना है जोड़ना है। तो शायद नहीं बोलोगे आप इस चीज़ को, देखिए बड़े काम की चीज़ है। इस ट्रिक से अपन पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और चंद 10 सेकंड में। देखिए बिल्कुल अपन जीरो से क्वेश्चन उठाते हैं, जो पहला क्वेश्चन है साधारण सा, जैसे क्वेश्चन आ गया आपके पास ध्यान से सुनना, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, सुनते जाना। यदि मैं बोलूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में 22 से, अंग्रेजी वर्णमाला में 22 से 20वां अक्षर क्या होगा, ये क्वेश्चन आ गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में 22 से 20वां अक्षर, बेसिक चीज है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है लेकिन जानकारी जरूरी है। अंग्रेजी वर्णमाला में 22 से 20वां अक्षर बिल्कुल साधारण, अपन ने ध्यान दिया कि यार 22 से का मतलब देखो ए से या जेड से, दिमाग में आ गया कि यार 22 से का मतलब तो ए से, 22 से का मतलब क्या है ए से, और ऐसे तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था 22 से मतलब ए से 20वां अक्षर क्या होगा, T20 मैच, T20 बिस्किट बताया था, तो आराम से अपन जवाब दे सकते हैं कि 22 से 20वां अक्षर क्या होगा, टी होगा, यही आंसर। जैसे मान लो मैं इसी क्वेश्चन को ये कह दूं, ध्यान से सुनना कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं से 20वां अक्षर क्या होगा, ये आ गया। देखिए बेटा आपकी बार मैंने चेंज कर दिया, बाईं से की जगह क्या लिख दिया मैंने, दाईं से लिख दिया, और मैंने पूछ लिया कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं से 20वां अक्षर क्या होगा। अब देखिए दिमाग लगाया अपन ने कि यार अंग्रेजी वर्णमाला बाईं से का मतलब तो ए से, और दाईं से का मतलब जेड से, अब जेड से गिनेंगे तो टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, लगेगा नहीं। तो देखिए दोस्त ध्यान रखना, आपको एक रामबाण विधि बताता हूँ अच्छी, जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं, कभी भी जैसे दाईं से आया, दाईं से का मतलब जेड से, कभी भी आपको जेड से गिनने की नौबत आए, कभी भी जेड से गिनने की नौबत आए तो आपको जेड वाई एक्स डब्ल्यू ऐसे उल्टा नहीं गिनना, उसका सीधा सा एक इलाज है, आप ये देखिए ए कितने नंबर पे होता है, एक नंबर पे, और ये बताइए बेटा जेड कितने पे होता है, 26 पे, जेड कितने पे होता है 26 पे, तो आप देखो 26 और एक कितना हो गया 27, 26 और एक कितना हुआ 27। आप ध्यान रखना यदि जेड से गिनने की नौबत आए, जैसे दाईं से का मतलब जेड से गिनने की नौबत आए तो आप दिए गए क्रम को सीधा करने के लिए 27 में से घटा दो, और 27 में से घटाते ही आपने देखा 27 में से 20 घटाए तो कितना आया 7। ध्यान देना, चाहे ए से 7वां अक्षर देख लो और चाहे जेड से
20 अक्षर देख लो, एक ही बात आप लिख के देखना और आप बता सकते हो। मैंने बताया था G7 सम्मेलन, G7 सम्मेलन। दोस्त आप गिनना जेड से, जेड से जेड वाई एक्स डब्ल्यू ऐसे गिनोगे तो 20 अक्षर जो आएगा वो क्या आएगा, जी आएगा। तो ध्यान रखना, यदि जेड से गिनने की नौबत आए तो दिए गए क्रम को सीधा करने के लिए कितने में से घटाएंगे अपन, 27 में से घटाएंगे। ट्रिक बताई मैंने, 27 में से घटा दो। बहुत से स्टूडेंट हैं, सर 27 में से घटा दें, याद ही नहीं रहता। तो बेटा मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था विलोम जोड़े, क्या बताए थे, विलोम जोड़े। तो देखिए यदि आपको जेड से गिनना पड़े, कहाँ से गिनना पड़े, जेड से, तो आप जेड से मत गिनिए, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये बताओ 20 नंबर पे क्या होता है, टी। एबीसीडी में 20 नंबर पे क्या होता है, टी होता है। 20 नंबर पे क्या होता है, टी। और दोस्त ये टी तो किधर से होता है, ए से। अपने को किधर से देखना है, जेड से। उल्टा देखना है, उल्टा कर दो। टी, टी का विलोम जोड़ा क्या है, लड़का और लड़की कहाँ घूम रहे थे, जीटी रोड पे। कहाँ घूम रहे थे, जीटी रोड पे। तो आप आसानी से जवाब दे सकते हो, सही जवाब क्या होगा, जी होगा। सही जवाब क्या होगा, जी। देखिए वापस एक और क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार का। जैसे मान लो मैं आपको ये कहूँ कि अंग्रेजी वर्णमाला में, ध्यान से सुनो, अंग्रेजी वर्णमाला में दाई से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाई से 11वां अक्षर क्या होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में दाई से 11वां अक्षर क्या होगा, ये क्वेश्चन हो गया। देखिए दोस्त, आपने देखा कि यार दाई से क्या देखा, दाई से, दाई से का मतलब ध्यान दें ए से या जेड से, दाई से, दाई से का मतलब जेड से एक ही ओर, और जेड से तो अपने को गिनना ही नहीं आता, जेड से तो उल्टा है और उल्टा काम अपन करेंगे नहीं। तो दोस्त ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था यदि जेड से गिनने की नौबत आई तो कितने में से घटा दो, 27 में से। 27 में से 11 गए, कितना बच गया, 16। ध्यान दें मेरे भाई, चाहे आप जेड से 11वां अक्षर देख लो और चाहे ए से 16वां देख लो, एक ही बात है। और ए से 16वां अपन बता सकते हैं, ए से 16वां क्या होगा, मैंने बताया था पी, पी पर्सनल नंबर 16, पर्सनल नंबर कितने, 16। अब देखिए कई याद रखते हैं गुरुजी पप्पू 16 का, ठीक है, तो पी कितने नंबर पे, 16 पे। अब देखिए आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, ये बताओ एबीसीडी में 11 नंबर पे क्या है, के। 11 नंबर पे क्या है, के है। अब ये के तो किधर से है, ए से है, और अपने को देखना है दाई से, दाई से का मतलब जेड से, दाई से का मतलब जेड से, उल्टा देखना है। तो अब उल्टा देखना है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट विलोम जोड़े पे जाएंगे, उल्टे क्रम पे। तो देखिए के का विलोम जोड़ा क्या है, उस आशिक को, उस प्रेमी को सजा किसकी हुई थी, काले पानी की। किसकी सजा हुई थी, काले पानी की, केपी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, पी होगा। तो ध्यान रखना, यदि जेड से गिनने की नौबत आए तो आप क्या करोगे, सीधा करने के लिए कितने में से घटाओगे, 27 में से। कितने में से घटाओगे, 27 में से, या फिर डायरेक्ट विलोम जोड़ा कर दो, डायरेक्ट आंसर आएगा। लेकिन देखिए ये तो थी अपनी बेसिक चीजें, पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं आएगा। पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा उनकी चर्चा करते हैं अपन। देखिए जैसे क्वेश्चन आ गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आ गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में 22, अंग्रेजी वर्णमाला में 22 से 12वें अक्षर के, अंग्रेजी वर्णमाला में 22 से 12वें अक्षर के दाईं ओर 9वां अक्षर क्या होगा। बिल्कुल आप धीरे धीरे बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाई से 12वें अक्षर के दाईं ओर 9वां अक्षर क्या होगा, ये क्वेश्चन आ गया। देखिए दोस्त अपन क्या करते हैं, अपन करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला लिख लेते हैं, किताबों में भी यही है,
यही सिस्टम है किताबों में। किताबों में जैसे लिख दिया, देखना ध्यान से एक बार, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और ये अंग्रेजी वर्णमाला है। और अपन क्या करते हैं सर, बाईं से बारवा, बाईं से याद कीजिए, अभी बताया था बाईं से मतलब ए से। अपन देखते हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह एल। फिर अपन करते हैं बाईं से बारहवें अक्षर के दाईं ओर नौवा। अब इसके दाईं ओर का मतलब राइट साइड में, राइट हैंड की ओर, दाईं ओर अपने खुद के अकॉर्डिंग। इसके दाईं ओर नौवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवा सातवा आठवा और नौवा, क्या आ गया यू। और यही क्या इसका सही आंसर, यही करते हैं अपन कि सर यू आंसर आ गया। अक्सर किताब में भी यही मिलता है अपने को, यही तरीका मिलता है, लेकिन अपना ऐसे करेंगे तो टाइम लगेगा। तो देखिए मैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट विधि बताता हूँ, ध्यान से सुनना। देखिए क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं से बारहवें अक्षर के दाईं ओर नौवा, ये बताओ बेटा बाया और दाया, बाया और दाया सम्मान या असम्मान, एक बाया एक दाया असम्मान और असम्मान, और असम्मान को क्या करेंगे अपन जोड़ेंगे। असम्मान अभी बताया था मैंने, सम्मान सम्मान को घटा दो और असम्मान को जोड़ दो, असम्मान को जोड़ेंगे। अब देखिए बारह और नौ, बारह नौ कितना हो गया 21, इतना काम कर लेंगे अपन। अब दिमाग में एक चीज आई कि सर ये 21 हुआ बाईं से देखे या दाईं से, इसके लिए ध्यान रखना पहला शब्द देख लिया करो हमेशा, परमानेंट पहला शब्द विचार ही नहीं करना। पहला शब्द देखा बाईं से, क्वेश्चन डायरेक्ट बन गया बाईं से 21 हुआ। जैसे अभी अपन क्वेश्चन पढ़ रहे थे बाईं से 20 हुआ, वैसे साधारण सा क्वेश्चन बन गया। अब अपने को 12 और 9 से कोई मतलब नहीं है, बाढ़ में गए 12 9, सीधा सा क्वेश्चन बन गया कि बाईं से 21 हुआ अक्षर क्या होगा। अब ये बताओ बाईं से ए से या जेड से, अभी अपन देख रहे थे कि ए से जेड तक है, ये तो है बाईं से और ये क्या है दाईं से। अब बाईं से 21 हुआ, बाईं से का मतलब है ए से, और ए से 21 हुआ अपने को पता है कि यू, यू यानी यूथ और यूथ यानी युवा, और युवा की उम्र कितनी 21 साल, युवा की उम्र कितनी 21 साल। अपन आसानी से जवाब दे सकते हैं कि सही जवाब क्या होगा, यू होगा। देखिए सेम इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन ध्यान से सुनना। जैसे मान लो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में, क्वेश्चन आ गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं से आठवें अक्षर के, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं से आठवें अक्षर के दाईं ओर नौवां अक्षर क्या होगा, ये क्वेश्चन आ गया। अब देखिए आप करोगे बाईं से आठवां एच, फिर उसके दाईं ओर नौवां पहला दूसरा तीसरा गिनोगे, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। सीधा सा शॉर्टकट इलाज है, देखिए दोस्त बायां और दायां सम्मान या असम्मान, असम्मान असम्मान को क्या करेंगे अपन जोड़ेंगे। तो देखिए नौ और आठ कितना 17, इतना काम कर लेंगे सर। अब मैंने आपको बताया था हमेशा पहला अक्षर देखो, पहला शब्द क्या है बाईं से, क्वेश्चन डायरेक्ट बन गया बाईं से 17वां अक्षर, सीधा सा क्वेश्चन बन गया बाईं से 17वां। ये बताओ बाईं से ए से या जेड से, ए से, और ए से 17वां अक्षर क्या होगा, मैंने बताया था रानी के नखरे कितने 17, क्यों क्यू यानी क्वीन और क्वीन यानी रानी, और रानी के नखरे कितने 17, रानी 17 की, राजा 18 का, 19 में शादी और 20 में तलाक। तो यहां अपन याद रख लें कि 17 नंबर पे क्यों है, आसानी से जवाब दे सकते हैं। देखिए एक छोटे से क्वेश्चन की चर्चा और करेंगे अपन। जैसे मान लो मैं आपको यह कह दूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं से
ग्यारहवें अक्षर के, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं से ग्यारहवें अक्षर के बाईं ओर पांचवा अक्षर क्या होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं से ग्यारहवें अक्षर के बाईं ओर पांचवा अक्षर क्या होगा? अब देखिए दोस्त क्या करेंगे अपन, अपन ने देखा कि बायां और बायां, बायां और बायां सम्मान या सम्मान, सम्मान। अब दिमाग में है कि यार ये तो सम्मान आ गया, और मैंने आपको बताया था कि सम्मान सम्मान को तो क्या करना है, घटाना है। तो ध्यान रखना बेटा, जोड़ मत देना, गलती कर देते हैं अपन शॉर्टकट के तरीके से, अपन जल्दबाजी के तरीके, जल्दबाजी करने के चक्कर में गलत कर देते हैं। गुरुजी जोड़ दो, ठीक है, बायां और बायां सम्मान, सम्मान सम्मान को घटा दो। 11 में से 5 गए तो कितने बच गए? 6 बच गए। इतना काम कर लेंगे अपन। अब मैंने बताया कि पहला शब्द देखो परमानेंट, पहला शब्द क्या है? बाई से, किधर से? बाई से, ध्यान दे दो, बाई से, बाई से किधर से? ए से। और दाई से, दाई से किधर से? जेड से। तो देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, ध्यान से सुनना वापस, बायां और बायां सम्मान, सम्मान सम्मान को घटा दो, और 11 में से 5 गए तो 6, बाई से छठवा, और बाई से छठवे का मतलब हो गया ए से छठवा, और ए से मैंने बताया था फिक्स, एफ यानी फिक्स, फिक्स यानी 6, और आप बता सकते हो सही जवाब क्या होगा, एफ होगा। अब लिख के देखना, जो किताबी तरीके हैं उनसे देखना, सही जवाब अपना एफ आएगा, लेकिन वो तरीका नहीं अपनाना अपने को, इस तरीके से करना है, समय की बचत करनी है। अब देखिए दिमाग में बहुत से स्टूडेंट्स के आ रहा है कि सर जरूरी तो नहीं है बाईं से स्टार्ट करें, दाईं से भी कर सकता है। तो देखिए बेटा जो अगली स्टेप है उसमें अपने क्वेश्चन की चर्चा करते हैं दाईं से, ध्यान से सुन, क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में, देखना लिखने से अच्छा अपन बोले हैं, समय की बचत होगी, आप ध्यान से गौर से सुने हैं। क्वेश्चन है कि दाईं से दाई से पंद्रहवें अक्षर के, क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाई से पंद्रहवें अक्षर की बाई ओर आठवां अक्षर क्या होगा? यह क्वेश्चन आ गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं से पंद्रहवें अक्षर के बाईं ओर आठवां अक्षर क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन। अब देखिए अपन कैसे करेंगे, गलती मत करना। अपन ने देखा कि दायां और बायां, ये कह रहा है दाईं से पंद्रहवें के बाईं ओर आठवां, दाई से पंद्रहवें के बाईं ओर आठवां। तो देखो बेटा दायां और बायां सम्मान या असम्मान? असम्मान। और असम्मान को क्या करेंगे अपन? जोड़ेंगे। 15 और 8 कितना? 23। 15 और 8 कितना? 23। देखिए दोस्त पहला क्वेश्चन क्या है दाई से, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। यह क्वेश्चन है दाई से 23वां। अभी भी कई लड़के गलती कर देते हैं, डब्लू कर देते हैं, क्या कर देते हैं? डब्लू। बेटा मैंने बताया था क्वेश्चन साधारण बन गया दाई से 23, ये 15 और 8 बाढ़ में गए, अपने को कोई मतलब नहीं है 15 8 से, क्वेश्चन को बिल्कुल डायरेक्ट शॉर्ट कर दिया दाई से 23वां अक्षर। ये बताइए दाई से ए से या जेड से? दाई से जेड से, ध्यान दें दाई से किधर से? जेड से। और मैंने आपको बताया था जेड से उल्टा तो अपने को गिनना ही नहीं आता, अपन क्या करेंगे इसको कितने में से घटाएंगे? 27 में से, रामबाण विधि है, जेड से गिनना पड़ रहा है, 27 में से घटा दो, 27 में से 23 गए 4, ए बी सी डी में 4 नंबर पे होता है डी। अच्छा कई लड़के कहते हैं सर 27 में से नहीं घटाएंगे, क्या प्रॉब्लम बेटा? ये देखो 23 नंबर पे क्या होता है? W। 23 नंबर पे क्या होता है? W।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक काम करो इसका विलोम जोड़ा भी कर दो डायरेक्ट। देखो उस लड़के ने लड़की की तरफ बाय बाय किया था, जनता ने धो दिया था, सिटी एक्सरे हुई थी और वो क्या बन गया था, दिल वाला। तो आप DW डायरेक्ट भी कर सकते हो विलोम जोड़ा। शायद ये क्वेश्चन कुछ लड़कों के समझ में नहीं आया, मैं वापस इसी प्रकार का एक और एग्जाम्पल आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। जैसे ध्यान से सुनना बेटा, जैसे मैं बोलूँ कि अंग्रेजी वर्णमाला में क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से उन्नीसवें अक्षर के, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वें अक्षर के दाईं ओर सातवां अक्षर क्या हो, यह क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं से 19वें अक्षर के दाईं ओर सातवां अक्षर क्या हो। देखिए बेटा, अपन लिखेंगे दाएं से मतलब जेड से 19वां अक्षर देखेंगे, फिर उसके दाईं ओर लेफ्ट साइड में क्या करेंगे, सॉरी राइट साइड में दाईं ओर सातवां अक्षर देखेंगे। देखिए लिख के करेंगे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, अपन डायरेक्ट शॉर्टकट विधि दायां और दायां सम्मान, और सम्मान सम्मान को क्या कर दो, घटा दो। सम्मान सम्मान को क्या कर दो, घटा दो। देखिए 19 में से सात गए, 19 में से सात गए, कितने बच गए, कितने बचे भाई, 12 भाई, 19 में सात गए 12 बच गए। अब देखो बेटा इतना काम तो कर लिया अपन ने, अब आप कह रहे हो गुरुजी पहला शब्द देख लो, पहला शब्द क्या दाई से, क्वेश्चन बन गया दाई से 12, कोई मतलब नहीं है 19 और सात से, डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया दाई से 12। अब क्या करेंगे अपन, देखो ऊपर बाएं से ए से और दाएं से जेड से, और जेड से अपन गिनेंगे तो बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। मैंने आपको एक बात बता रखी है कि जेड से गिनना पड़े तो कितने में से घटा दो, 27 में से, 27 में से 12 गए, ये सीधा क्रम हो गया 15। ABCD में 15 नंबर पे क्या होता है, ओ ए जोटी, ए ज्योति, सूत्र बताया था AJOTY, 5, 10, 15, 20, 25, तो अपन बता सकते हैं ओ। यदि आप देखो तो 12 नंबर पे एल, और एल का विलोम जोड़ा क्या होता है, ओ लव, लड़के और लड़की को क्या हो गया था, लव हो गया था, ऐसे भी बता सकते हैं। तो शायद आप इस प्रकार के यदि क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, और मैं बता दूं दोस्त राजस्थान पुलिस कांस्टेबल SSC GD उनमें इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, डरने की आवश्यकता नहीं है, इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल साधारण क्वेश्चन। जैसे एक और क्वेश्चन मैं चर्चा करूं, ध्यान से सुनना, मैं बोलूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाई से सातवां, अंग्रेजी वर्णमाला में दाई से सातवें अक्षर के बाई ओर छठवां अक्षर क्या होगा, यह क्वेश्चन आ गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाई से सातवें अक्षर के बाई ओर छठवां अक्षर क्या होगा। तो देखिए दोस्त, दाया और बाया सम्मान या असम्मान, दाया बाया असम्मान, और असम्मान को क्या करोगे, जोड़ दोगे, 7 और 6, 13, 7 और 6, 13। और देखिए दाई से 13वां अक्षर, दाई से 13वां अक्षर, और दाई से 13वां अक्षर। अब देखिए बेटा दाई से का मतलब ए से या जेड से, अंग्रेजी वर्णमाला सीधी है अभी तक, दाई से का मतलब जेड से, और जेड से तो अपने को गिनना ही नहीं आता, तो जेड से गिनना नहीं आता तो अपन क्या करेंगे, 27 में से घटाएंगे, 27 में से 13 गए तो कितना बच गया अभी, 14, कितना बच गया, 14। अब देखिए बेटा अपन क्या करेंगे, ABCD में 14 नंबर पे देखेंगे क्या होता है N, और सही जवाब क्या होगा इसका, N। तो ध्यान दें, इस प्रकार के यदि क्वेश्चन आते हैं तो मैं दोबारा आपको ध्यान दूं, बता दूं कि बाई से मतलब ए से, और दाई से मतलब किधर से, जेड से।
बाएं से मतलब ए से और दाएं से का मतलब जेड से। एक ट्रिक याद रखना, जो आड़ू और फाड़ू विधि है। कौन सी विधि है? आड़ू और फाड़ू विधि, दिनेश चौधरी की है। तो देखिए एक चीज याद रखना, सम्मान सम्मान को घटा दो, ये चीज याद रखना, इसमें मत भूलना। सम्मान सम्मान को घटा दो और असम्मान को जोड़ दो, बस ये चीज याद रखना। सम्मान सम्मान को घटा दो और असम्मान को जोड़ना, इसमें भूल मत करना। यदि आप गलती से इसमें भूल कर दिए तो समझ लो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना, सम्मान सम्मान को क्या करना है? घटाना है। और असम्मान को क्या करना है? जोड़ना है। देखिए बड़े साधारण से क्वेश्चन थे, अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा रूप था। जरूरी तो है नहीं कि अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा रूप ही पूछे, क्वेश्चन को थोड़ा सा जटिल रूप देगा तो अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत भी कर देगा, उल्टा भी कर देगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्त, अभी तक अपन चर्चा कर रहे थे अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा रूप, अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा रूप, ठीक है। देखिए ये था अपना ए से जेड, क्या था? ए से जेड, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि ये था बाएं से, और ये था दाएं से। और अपन ने ये चीज देखी कि बाएं से मतलब ए से और दाएं से मतलब जेड से, ये चीज देखी। अब ये बताइए, यदि मैं अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दूं, विपरीत का मतलब जेड से, जेड से। देखिए दोस्त ध्यान से सुनना, बाएं और दाएं कब चेंज होता है? जब व्यक्ति के मुंह की दिशा चेंज होती है। जैसे आप उत्तर दिशा में मुंह करके बैठे हो तो आपका ये कौन सा है? राइट, दायां। और ये कौन सा है? बायां। और यदि मैं आपके विपरीत मुंह दक्षिण में मुंह कर लूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा? राइट। आपका क्या है? लेफ्ट। और ये आपका क्या है? राइट। लेकिन मेरा क्या है? लेफ्ट। तो व्यक्ति के बायां और दायां कब चेंज होता है? जब व्यक्ति के मुंह की दिशा चेंज होती है। यहां इन अक्षरों के मुंह की दिशा चेंज नहीं हो रही, केवल इनका क्रम चेंज हो रहा है। आप देखना, जहां भी आप बैठे हो, घर पे जहां भी आप बैठे हो, आप एक चीज ध्यान से सुनना, जैसे आप बैठे हो जिस स्थान पे, आप अपने दाईं ओर देखो कोई भी चीज रखी है, और यदि आप यहां से उठ के और थोड़ी दूर साइड में बैठ जाओ और मुंह रखो दाईं ओर, सॉरी मुंह रखो सामने की ओर, फिर भी वो चीज आपके किधर रहेगी? रखी हुई चीज दाईं ओर रहेगी कि नहीं रहेगी? तो कहने का मतलब ये है बेटा कि जैसे मैं यहां हूं, ये मेरे क्या है? दाईं ओर है। यदि मैं उठ के यहां चला गया तो भी मेरे क्या रहेगा? ये दाईं ओर रहेगा। यदि मैं उठ के यहां आ गया, मुंह इधर रखूंगा तो भी किधर रहेगा? ये दाईं ओर रहेगा। तो कहने का मतलब ये है, यहां केवल अक्षरों का क्रम सीक्वेंस चेंज होती है, इसलिए ध्यान रखिएगा ये रहेगा बाईं से, क्या रहेगा? बाईं से। और ये क्या रहेगा? दाएं से। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, बायां और दायां चेंज नहीं होगा, सिर्फ फर्क इतना हो गया आप कि देखिए अंग्रेजी वर्णमाला का जब सीधा क्रम है तो बाईं से का मतलब ए से, और यदि अंग्रेजी वर्णमाला उल्टी है तो बाईं से का मतलब हो गया जेड से। यदि अंग्रेजी वर्णमाला सीधी है तो दाई से का मतलब है जेड से, और यदि अंग्रेजी वर्णमाला उल्टी है तो दाई से का मतलब हो गया ए से, सिर्फ इतना फर्क है। तो ध्यान रखना, यदि अंग्रेजी वर्णमाला सीधी है तो बाई से ए से, दाई से नाम आए तो जेड से, बार बार बता रहा हूं ध्यान रखना इस चीज को। यदि अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा क्रम होता है तो बाई से का मतलब है जेड से और दाई से का मतलब है ए से। दोस्त वापस बता दो, वही ट्रिक काम आएगी यहां भी, ये पूरे टॉपिक में चलेगी अपने इसमें। सम्मान
सम्मान को घटा दो, असम्मान को जोड़ दो। सम्मान सम्मान को घटा दो और असम्मान को क्या कर दो, जोड़ दो। देखिए यदि अपन अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम करें तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ध्यान से सुनिए दोस्त। यदि मैं आपको क्वेश्चन लिखूं कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दे, मैं क्वेश्चन लिखता हूं, ध्यान से सुनना। देखिए क्वेश्चन ये है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ध्यान दें। अगला लिखेगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखना है तो लिखेगा, इसने लिखा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दे। कई बार ध्यान दें, विपरीत क्रम जो है इसको कई बार लिख देता है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब भी विपरीत क्रम होता है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 19वें अक्षर के बाईं ओर पांचवा अक्षर क्या होगा। देखिए दोस्त क्वेश्चन है, दाएं से 19वें अक्षर के बाईं ओर पांचवा अक्षर ये आ गया। लेकिन ध्यान दें अंग्रेजी वर्णमाला क्या है, विपरीत क्रम में है। किस क्रम में है, विपरीत क्रम में है। तो देखिए दोस्त पहले तो वही काम करेंगे जो गत वर्ष क्वेश्चनों में कर रहे थे अपन, जो पिछले क्वेश्चनों में कर रहे थे। अपन ने देखा कि दायां और बायां सम्मान या असम्मान, दायां और बायां सम्मान या असम्मान, असम्मान। और असम्मान को क्या करेंगे मेरे भाई, जोड़ देंगे 19 और 5 कितना 24, कर दिया इतना काम। अब ध्यान दें वही काम, पहला शब्द क्या है, दाएं से, क्वेश्चन बन गया दाएं से 24वां, क्वेश्चन बन गया दाएं से 24वां। लेकिन अपन गलती क्या करते हैं, अपन कह देते हैं सर आपने बताया था दाएं से आ गया तो 27 में से कटा दो। नहीं बेटा, ध्यान रखना वो अंग्रेजी वर्णमाला का क्या था सीधा क्रम, अब ये नहीं पढ़ना, अब अपने को पढ़ना अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम, ये चीज ध्यान रखना। अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम, और विपरीत क्रम में आप देखिए दाएं से का मतलब ए से या जेड से, दाएं से का मतलब है ए से, और ए से यदि अपने को गिनना पड़ रहा है तो 27 में से नहीं घटाएंगे, 27 में से कब घटाएंगे, जब अपने को जेड से गिनना पड़े। तो यहां गलती मत कर देना, 24 को आप 27 में से मत घटाना, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम है और दाएं से मतलब ए से, और आप अच्छी तरीके से बता सकते हो कि 24 नंबर पे क्या होता है एक्स होगा, 24 नंबर पे क्या होगा एक्स, और इस प्रश्न का सही जवाब भी क्या होगा एक्स होगा। देखिए दोस्त एक क्वेश्चन वापस मैं इसी प्रकार का क्वेश्चन लिखता हूं। देखिए यदि मैं क्वेश्चन लिख दूं, ध्यान से सुनिए कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 23वें अक्षर के, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए मतलब जेड से विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 23वें अक्षर के 17वां अक्षर क्या होगा, यह क्वेश्चन आ गया अपने पास। अब देखिए बेटा क्या करेंगे अपन, वही काम जो पिछले क्वेश्चनों में कर रहे थे अपन। सबसे पहले अपन देखेंगे दायां और दायां सम्मान या असम्मान, दायां और दायां सम्मान या असम्मान, सम्मान। सम्मान सम्मान को क्या करेंगे अपन, घटा देंगे, घटा दिया 23 में से 17 घटाइए, 23 में 17 घटाए तो कितने बच गए 6,
कितने बच गए भाई? छह। इतना काम कर दिया। अब ये बताओ, पहला शब्द देखा दाई से, क्वेश्चन बन गया दाई से छठवा। पहला शब्द है दाई से और क्वेश्चन क्या बन गया? दाई से छठवा। अब ये बताओ बेटा, दाई से छठवा अक्षर और दाई से छठवा, तो ध्यान दें अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में है। किस क्रम में है? विपरीत क्रम में, सीधे क्रम में नहीं है, क्योंकि अगले ने लिखा है विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो। तो देखिए, दाई से ए से, दाई से किधर से? ए से, और ए से छठवा अक्षर क्या होगा? एफ। आप आराम से अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख के कर सकते हो, किसी भी किताब से कोई भी क्वेश्चन उठा सकते हो। इस ट्रिक से बिल्कुल आपका आंसर सटीक होगा। यदि आप 10 से 20 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हो तो आपके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में केवल और केवल 10 सेकंड लगेगी। देखिए, जैसे मान लो मैं बोलूं अगला क्वेश्चन कि यदि, ध्यान दें क्वेश्चन क्या है, कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दें। क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला को यदि विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो, बाईं से दसवें अक्षर की दाई और ग्यारहवा अक्षर क्या हो? यह क्वेश्चन है। देखिए दो, सेम जो प्रोसेसिंग अपन लास्ट वाले क्वेश्चनों में कर रहे हैं वही यहां लगानी है, यही फॉलो करनी है। आपने देखा कि बायां और दायां असमान, असमान को क्या किया? प्लस कर दिया। 10 और 11 कितना? 21। इतना काम कर दिया आपने। एक चीज ध्यान दे, पहला शब्द क्या है? बाईं से, क्वेश्चन बन गया अपना बाईं से 21वां। क्वेश्चन क्या बना? बाईं से 21वां। अब ये बताओ आप, बाईं से 21वां, अपन जल्दबाजी में क्या कर देते हैं? सर कर दो यू, ले जाओ यू, बाईं से 21वां। लेकिन ध्यान दें अंग्रेजी वर्णमाला किस क्रम में है? विपरीत क्रम में, मतलब ये। और बाईं से बोलो जेड से या ए से, अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में बेटा जेड से लिख रखी है, तो बाईं से का मतलब जेड से। और ये चीज मैंने आपको बताई कि जेड से गिनने की नौबत आए तो कितने में से घटा दो? 27 में से। 27 में से 21 गई, 6 बचे, 6 नंबर पे क्या है? एफ। यही आंसर। देखिए इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन, जैसे मान लो मैं आपको ये कह दूं कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला, ये क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करना, देखें, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को व्युत क्रम में लिख दिया जाए, व्युत क्रम का मतलब भी क्या होता है? विपरीत क्रम। व्युत क्रम का मतलब भी क्या होता है? विपरीत क्रम। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को व्युत क्रम में लिख दिया जाए तो, बाईं से 16वें अक्षर के, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को व्युत क्रम मतलब विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाईं से 16वें अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर क्या होगा? यह क्वेश्चन आ गया आपका। देखिए बायां और बायां, पहले यही काम करना है, बाद में देखेंगे सीधी या उल्टी है। बायां और बायां सम्मान, सम्मान सम्मान को घटा दो, सम्मान सम्मान को क्या कर दो? घटा दो। घटाया, 16 में से 8 गए तो कितने? 8। 16 में से 8 गए तो कितने? 8। अब देखिए पहला शब्द है बाईं से, क्वेश्चन बन गया बाईं से 8वां। क्वेश्चन क्या बन गया? बाईं से 8वां। अब ये बताओ दोस्त, अंग्रेजी वर्णमाला सीधी या उल्टी? अंग्रेजी वर्णमाला है विपरीत क्रम, व्युत क्रम, विपरीत क्रम में। तो ध्यान दें यहां बाईं से मतलब जेड से, ना कि ए से, किधर से? जेड से। और जेड से गिनना पड़े तो गिन ही नहीं सकते अपन। मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको कि जेड से गिनना पड़े तो कितने में से घटा दो? 27 में से। 27 में से 8 गए तो कितना बच गया? 19। और 19 नंबर पे क्या है? एस आंसर।
कहने का मतलब इस प्रकार से यदि आपके पास क्वेश्चन होंगे तो आप आसानी से कर पाओगे। तो चाहे अंग्रेजी वर्णमाला सीधी लिखे, चाहे अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखे, अपना आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। ध्यान से सुनना वापस एक बार, यदि अंग्रेजी वर्णमाला सीधी हो तो बाईं से मतलब ए से और दाईं से का मतलब जेड से। यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी हो तो जेड से ए लिखी हो तो बाईं से का मतलब जेड से और दाईं से का मतलब ए से। सिर्फ एक चीज याद रखनी है, सम्मान सम्मान को घटाना है और असम्मान को क्या करना है, जोड़ना है। सम्मान सम्मान को घटाना और असम्मान को जोड़ना है। एक चीज और ध्यान रखना, कभी भी आपको जेड से गिनने की नौबत आए, यदि आपको जेड से गिनने की नौबत आए तो आप उसको सीधा करने के लिए यहां कितने में से घटाओगे, 27 में से घटा दो। कितने में से घटा दो, 27। 27 में से घटाते ही सीधा क्रम होगा। देखिए ये थे अपने अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे और विपरीत क्रम के साधारण क्वेश्चन। देखिए दोस्त, सीधे और अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे क्रम के पढ़ने क्वेश्चन किए, यदि क्वेश्चन को और भी जटिल करें, और भी जटिल करेगा, और भी उसका जटिल रूप करेगा, तो फिर वो करेगा अर्धांश पर आधारित क्वेश्चन। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में ए से जेड तक 26 अक्षर हैं और अपने इन 26 अक्षरों के सीधे क्रम के क्वेश्चन कर लिए, फिर अपन ने किया अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम जेड से ए, इसके भी क्वेश्चन कर लिए। देखिए दोस्त, ए से जेड तक अंग्रेजी वर्णमाला है और ए से जेड तक जो अंग्रेजी वर्णमाला है इसके अपन दो टुकड़े करेंगे। कितने टुकड़े करेंगे, दो। पहला जो इसका पार्ट है वो है ए से एम और दूसरा जो पार्ट है वो है इसका एन से जेड। पहला है ए से एम और दूसरा है एन से जेड। देखिए ये ए से एम, इसको अपन कहेंगे प्रथम अर्धांश और एन से जेड तक है इसको अपन कहेंगे द्वितीय अर्धांश। ये प्रथम अर्धांश, पहला आधा अंश और ये द्वितीय अर्धांश, दूसरा आधा अंश। यदि अपन थोड़े से पेपर को जटिल रूप दें, यदि पेपर थोड़ा सा अपन हार्ड बनाएं तो वो अर्धांश पर आधारित क्वेश्चन डालेगा। देखिए कभी प्रथम अर्धांश को विपरीत लिख देगा, द्वितीय अर्धांश को सीधा, कभी प्रथम अर्धांश को सीधा और द्वितीय अर्धांश को उल्टा, और कभी क्या करेगा प्रथम और द्वितीय अर्धांश दोनों को व्युत्क्रम विपरीत क्रम में लिखने के बाद अपने को क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए दोस्त, अर्धांश पर आधारित जो क्वेश्चन है वो अपन अगली क्लास में देखेंगे, जो नेक्स्ट क्लास होगी अपनी कल, उसमें अपन देखेंगे अर्धांश पर आधारित क्वेश्चन वर्णमाला का छोटा सा, केवल और केवल आपका 20 मिनट की क्लास बाकी है, उसके बाद में वर्णमाला कंप्लीट होगी। आप ध्यान दें, ये प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश पर आधारित जो क्वेश्चन है ये एग्जाम की दृष्टि से बड़े इंपॉर्टेंट है। दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल वगैरह में तो अर्धांश वाले क्वेश्चन आते ही आते हैं। ध्यान रखना, जैसे ही अपनी वर्णमाला कंप्लीट होगी उसके बाद में अपन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्यूब एंड डाइस। स्टूडेंट्स की मर्जी, यदि कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करें तो कोडिंग डिकोडिंग आपकी इच्छा है, या फिर क्यूब एंड डाइस घन और पासा स्टार्ट करेंगे, जो भी आपकी इच्छा हो उसके अनुसार स्टार्ट करेंगे अगला टॉपिक। तो अगली जो क्लास है उसमें आप ध्यान रखना, उसमें अपन करेंगे अर्धांश पर आधारित क्वेश्चन, और आप देखना ना भूलें, क्योंकि ये अर्धांश पर आधारित क्वेश्चन ये अक्सर स्टूडेंट्स गलत कर देता है। ठीक है, जय हिंद जय भारत। मैं दिनेश चौधरी इसी के साथ आपके साथ विदा लेता हूँ। अगली क्लास में इसी वक्त अपन मिलेंगे, अर्धांश पर आधारित क्वेश्चनों के साथ शुरुआत करेंगे। नमस्कार।